और इसके साथ ये रास्ते में गली में हाँ तो आपको कैसे हुआ क्लास में नहीं चलना है बस अगर आप जानते हो हाँ हाँ मिला हूँ मैं उनसे. अच्छा वो डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से सोलो फ्लाइट में वो भी ना. हाँ वो सैडिस्ट सैड हो जाते हैं लोग ना इस एज में आके फिर यू आर अलोन एंड ऑल द टाइम एंड दिस एंड दैट. ये नहीं समझ. अच्छा पर्सनल लाइफ. अच्छा अच्छा डेफिनेटली शी हैज़ टू डू इट यू नो. ऐसे लोगों को दे हैव टू यू नो एक्सप्रेस देमसेल्व्स विद समबडी यू नो. ऐसे दीवारों के साथ तो बातें नहीं कर सकते. ऐसे ही है. लो जी थोड़ा कुछ तो पढ़ो. ये इंडेमनिटी देखो इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स. हाँ हाँ प्रोसीजरल लॉ. एक क्लेम आया हमारा और उसको अपडेट करके वापस भेज दिया मैंने. जब हमारा केस टाइम बढ़ रहा है और ये रोज ठीक है कोई प्रोसीजर डाल दिया तो कंसल्टेंट ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तानी जो सिविल लॉ है कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि मैंने उसके अंडर केस ठीक है क्योंकि वो सब्सटेंटिव है. हाँ तो इसलिए ये वाला जो प्रोसीजर है वो उसकी जरूरत नहीं है. जी बिल्कुल बिल्कुल. जब आप डिस्प्यूट में आके आप लिटिगेशन में जाएं तो फिर आप उसको शामिल क्यों तो तब आप सिविल लॉ को बिल्कुल इनवोक करते हैं. डिटेल्स प्रोसीजर तो आप उसको यहां पे इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. That's the right way to do it. बड़ी बात है. देखिए सब्सटेंटिव लॉ इज द लॉ जो बेसिकली आपको कोई सजा या जजा दे रहा होता है. मतलब इट गिव्स यू समथिंग और इट इज टेकिंग अवे समथिंग दैट इज द सब्सटेंटिव लॉ. प्रोसीजरल लॉ ये है कि वो उस सजा या जजा को लेना कैसे है. कोई अगर सजा देनी है तो कैसे देनी है उसका क्या प्रोसीजर होगा दैट इज़ द प्रोसीजरल लॉ. और वो जो सजा इटसेल्फ है या जो भी जजा है उसकी या कोई आपको फल मिलना है किसी चीज़ का फ्रूट है किसी आपने उठाना है ठीक है तो उसके उसको अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर है. हर चीज़ के लिए प्रोसीजर है ना. सपोज आपने आपका झगड़ा हो गया आपका एक झगड़ा हो गया लड़ाई हो गई आप जख्मी हो गए. जख्मी तो अब हो गए आपके जो वुंड्स होंगे जो आपको हर्ट हुआ है वो एसेस किए जाएंगे. उसके लिए सेक्शंस हैं कि कितना डीप है ब्लंट वेपन से है ये वो दाएं बाएं उससे असेसमेंट हो जाती है कि ये 337A है 337A2 है 337A3 है के साथ दिया था ऑर्डिनेंस के तहत. तो जब वो असेस हो जाता है तो वो सब्सटेंटिव हो जाता है कि इसको ये बंदे को हर्ट हुआ है ये 337A2 हो गया जिसको ब्लंट वेपन से लगे है 1 inch डीप है लेसरेशंस भी हैं ये वो दाएं बाएं सारी रिपोर्ट आ गई उसके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर हमेशा क्रिमिनल लॉ बनता है. वो सब्सटेंटिव हो गया जब सेक्शन लग गया तो वो समझेंगे सब्सटेंटिव लॉ इनिशिएट हो गया. अब उस जिसने हर्ट किया है उसको कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो प्रोसीजर देगा कि सबसे पहले उसके नॉन अवेलेबल वारंट्स होंगे. अगर अवेलेबल नहीं है पहले तो उसको पुलिस उठा सकती है स्ट्रेट अवे कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको वारंट्स की ज़रूरत ही नहीं है. वेर आपने पॉइंट कर दिया कि मुझे मिस्टर एक्स ने मारा है और मिस्टर एक्स को ढूंढा जाएगा और उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में उठा के ले आएगी पुलिस. 24 आवर्स तक उसने अपने पास रखना है उसको इन्वेस्टिगेट करना है उसको. 156 सेक्शन 156 है सब सेक्शन 3 के तहत 24 आवर्स के अंदर उसने इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई ये क्या हुआ था. उसे डिटेल लेनी है और डिटेल लेने के बाद आपसे क्रॉस चेक करेंगे आपकी जो रिपोर्ट है आपने भी तो कोई कंप्लेंट की थी ना उसे क्रॉस चेक होगी उसके बाद वो चलान करेंगे उसको.
चलान मीन्स द एफ आई आर, जिस दिन उसको उठा के लेके आए हैं वो डायरी डेली डायरी में एंटर हो जाती है, जो थाने में एक डेली डायरी पड़ी होती है हर पुलिस स्टेशन में, रोजनामचा कहते हैं जिसको, रोजनामचा रिपोर्ट कहते हैं, रोजनामचा जी मैंने रोजनामचा रिपोर्ट करा दी है, वो एक सिर्फ इंटीमेशन होती है, उसमें वो पुलिस वाला कहता है कि मैं फलाने वक्त फलाने बंदे को थाने के अंदर पकड़ के ले आया हूँ फलाने ऑफेंस में, टाइम भी लिखता है डेट भी लिखता है उस, जब अगर वो चलान हो जाए वो शख्स वाकई वो मिल कि यही मिस्टर एक्स नहीं मारा है, पता उसको मतलब प्रेमा फिशाए उसको महसूस हो जाए, तो फिर वो उसको चलान करता है पुलिस वाला, फिर एफ आई आर चौक होती है, एफ आई आर जो चौक होती है तो उस डेट से होगी जिस वक्त उसको उठा के लाया था 24 घंटे पहले, कि उस वक्त ये रिपोर्ट का टाइम अलहदा होगा और चौकिंग का टाइम अलहदा होगा, ठीक है, उससे फिर वो एक एफ आई आर बन जाती है, जब एफ आई आर बन जाती है तो उसको फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश करता है कि जी मुझे इसका रिमांड दे दें, फिजिकल रिमांड, देयर आर टू रिमांड्स, एक फिजिकल रिमांड है एक जुडिशियल रिमांड है, जो फिजिकल रिमांड में आपकी जो फिजिक है जो पर्सन है उसकी वो कहते हैं जी रिमांड, नहीं नॉट नेसेसरली फिजिकल रिमांड मतलब इसका पोजीशन मुझे दे दे बंदे का, ये मेरे हवाले कर दें, तो उसमें ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा वो बिफोर रिमांड एंड आफ्टर रिमांड मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं लोग, कि अगर ज़्यादा छतरोल छतरोल ना हो ना तो फिर तपो छप्पों भी रखते हैं या जगाए रखते हैं या इस तरह के जो उनके टैक्टिक्स हैं वो, तो खैर उससे अलहदा बात है, लेकिन ये छतरोल के लिए नहीं होता रिमांड, बेसिकली ये होता है कि इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ, वो वेपन के ऑफेंस किधर है, वो रिकवरियाँ करनी है, साइट प्लान्स बनते हैं, अब ये सारी चीज़ें प्रोसीजर में हो रही हैं, सब्सटेंटिव वहाँ पर ख़त्म हो गया, 337A2 लग गया सेक्शन, प्रोसीजर तो बगैर हो ही नहीं सकता ना, सब्सटेंटिव को अचीव करने के लिए, सब्सटेंटिव एक खड़ा हो कर दिया, इसको अचीव करने के लिए आपने प्रोसीजर तो यूज करना है ना इधर पहुंचने के लिए, क्या पी रहे हो तुम, जो प्रोसीजर होगा मिस्टर सिप ले लेके पी रहा था, मैंने क्या पता नहीं क्या पी रहे हैं जी जान, हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, सॉरी फिर रिपीट कर, जो सर ला बन गया है उसमें सब्सटेंशियल है और उसको अचीव करने के लिए जो हम प्रोसीजर बनाएंगे वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है, लॉ तो लॉ है ना सब, ये भी लॉ है प्रोसीजर भी तो लॉ है, प्रोसीजर उसे अचीव करने के लिए उसको देयर हैज टू बी, मतलब ये तो बताए क्या ये सब्सटेंटिव लॉ लग गया जी, ये सब्सटेंटिव लॉ है ये पड़ा हुआ है इधर, इसको प्रोसीजर को अचीव करने के लिए है जी पहले इधर जाना है आपने, फिर यहाँ से ऊपर टॉप पे आना है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है, फिर ये अचीव होगा सारी रिक्वायरमेंट्स, तो प्रोसीजर कोई भी सब्सटेंटिव लॉ बगैर प्रोसीजर के नहीं हो सकता, ठीक है ना, हाँ जी लेक्चर ही हो रहा की हो रहा है, तुम लगा दो तुम अटेंडेंस, ये क्यों क्लैश ऑफ सर ने तुम वो लायो डॉक्यूमेंट्स दे दो मुझे करा ले टेस्ट अगर है कोई, चल ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगर कोई बंदा है जैसा एक पोल्यूशन वाला केस है, हाँ रिस्ट्रिक्शन में मतलब ये बंदा प्रूवन है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इंटरनेशनल लॉज में कैसे मतलब उसको कैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, किधर है CTR, इधर तो नहीं पड़ी हुई, वो लड़का ही ले गया मेरे ख्याल से, वो पिजान साथ ही ले गए, वो ऊपर RM वो सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे, चलो वो गई किधर शीट कहीं से पकड़ के ला, वो उनसे ले गया ऊपर बैठे हुए जियाद साहब कर्नल जियाद साहब वगैरह ना उनसे, हाँ ऊपर टॉप पे
फिर किधर गई? मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो देखी भी नहीं है कैसी है। ये अरे खुदा है पाका पी के बैठे बैड सारे भले का सुबह यार लो जी लो। तो अब वो तो उसकी कल्पोषण उस यादव की बात कर रहे थे, उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि देर आर ऑलवेज ट्रीटीज बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, वो ट्रीटीज़ होती हैं, उसमें पीस ट्रीटीज़ होती हैं, वॉर ट्रीटीज़ होती हैं, ट्रेड ट्रीटीज़ होती हैं, हर किस्म की ट्रीटीज़ होती हैं जो साइन करते हैं आप, यूनिवर्सल होती हैं वो। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बन जाएं, अगर आप पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो ना बने वो ट्रीटी। उसमें यह होता है कि रेसिप्रोकल बेसिस पे आप काम करते हैं कि यू विल स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स इफ़ देर इज़ एन इशू। जिस तरह इंटरपोल है, इंटरपोल का आपका कि आपका कोई क्रिमिनल अगर फ्रांस में बैठा हुआ है तो आप इंटरपोल को कहते हैं कि उसको पकड़े, इंस्टेड के आप यहाँ से अपने SHO भेजें और DSP दो भेजें कि वो उनको पकड़ के लेके आए, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं है फ्रांस में क्या सीन है, किधर जाना है, ज्यूरिसडिक्शन है ना उनकी, ठीक है। इसी तरह जब आप ट्रीटी साइन कर देते हैं कोई, तो उस ट्रीटी के तहत फिर आपकी ज्यूरिसडिक्शन बन जाती है। और पाकिस्तान ने ये ट्रीटी साइन की है 29 मार्च 2017 को। हाँ 29 मार्च 2017 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पाकिस्तान को ऑफर हुई ट्रीटी के बाद कि अपना एक डॉग जज भेज दो, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा और उसको उठा लिया उन्होंने, उस ट्रीटी के तहत उठाया। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं है कि जी ये बंदा तो प्रूव्ड है। भाई प्रूव्ड है जो भी है, वो स्पाई था, डिकॉय था, वॉट एवर, जैसा भी है, उसने एडमिशन की हुई है ना, सिर्फ एडमिशन ही किया हुआ है ना, और तो उसके आपके पास और तो कोई सबूत नहीं है इसके। सर, ये होता है ना कि कोई बंदा फर्स्ट टाइम मैं अगर इंडिया जा रहा हूँ पे उस रूल ऑफ द लैंड लागू होता है ना। हाँ, लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, तो उस बंदे का मतलब प्रूफ हुआ है कि आर्मी ने उन्हें उसे पकड़ा है, मान लिया सारी बात, लेकिन आपने ट्रीटी भी की हुई है ना कि अगर ऐसी बात होगी, अगर हमारा उधर पकड़ा जाएगा इंडिया में, तो उसको डायरेक्ट नहीं वो सजा देंगे, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको किसी हिसाब, देखिए आपने उसको राइट ऑफ काउंसिल नहीं दिया, ऑडी अल्टरम पार्टम, केस ये है क्या? यही तो वो चाह रहे हैं ना भाई, यही तो वो चाह रहे हैं कि हमें राइट ऑफ काउंसिल, काउंसिल मींस वकील, मुझे वकालत, मुझे मुंह दे दो बोलने के लिए, मुझे डिफेंड करने के लिए कि मेरा क्या स्टांस है। आपने उसको स्टांस ही नहीं दिया ना, आपने तो एक्स पार्टी वन साइडेड रख के उनके मारो द्रज, यही इशू है और तो कोई इशू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट वीडियो तो फिर वीडियो में ठीक है, वो तो दुनिया मानती है ड्यूरेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यूरेस स्ट्रेस टेंशन, वो इसी रिट्रैक्ट भी कर सकता है एविडेंस एक्ट के तहत। जी कन्फेशन कराते हैं वो रिट्रैक्ट कर देता है, उधर कहते हैं मैंने नहीं किया। हाँ ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही। तो वहाँ का कॉन्फेशन, वीडियो कॉन्फेशन कुछ मायने नहीं रखता जब तक मजिस्ट्रेट के सामने वो, मजिस्ट्रेट उसको बिठाता है अपने कमरे में, रिलैक्स कराता है, चाय पानी का पूछता है, बेशक वो रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, डिकॉयट हो, रॉबर हो, हूसोएवर, उसको कहता है हाँ जी तुमने कन्फेशन किया है, पुलिस वाले एलिज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 161 आपने कन्फेशन किया, एक स्टेटमेंट होती है CRPC का 161, अब तुम्हारे पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, तुम 164 के तहत मेरे पास आ गए, 164 के तहत तुमने स्टेटमेंट जो देनी है वो फाइनल होगी, उसकी कोई वेरासिटी नहीं है जो तुमने पुलिस के पास दी है, ये सारी बात उसको समझाता है वो कहता है जी उन्होंने हमारे, हाँ अगर तुम कन्फेशन करोगे, एडमिट करोगे तो तुम्हें इतने साल सजा हो जाएगी, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें राइट ऑफ काउंसिल दूंगा और मैं यहीं से तुम्हें सीधा जेल भेजूंगा जुडिशियल रिमांड पर,
ایک فزیکل ریمانڈ تھا, ایک جوڈیشل ریمانڈ تھا. تو میں تمہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ لاک اپ میں بھیج دوں گا. وہ جیل کے اندر ہی ایک پورشن ہوتا ہے, اس کو لاک اپ کہتے ہیں, ہوتا وہ جیل ہی ہے لیکن اس میں لاک اپ میں ہوتا ہے, بیکاز وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے, ہی از ناٹ اے, پھر اس کو پولیس والے نہیں ہاتھ لگا سکتے, اس کیس میں نہیں لگا سکتے. کسی اور میں اگر لے کے جائیں نا, ابھی 29 مارچ کو تو ہوئے ہیں صرف. اچھا ہاں ہاں ہاں, انڈیا نے گرایا تھا, ہمارے پاس آ گیا تھا. وہ اس لیے کہ 29 مارچ کو تو آپ نے انٹری کی ہے صرف بھائی جان, انڈیا آلریڈی ہے آئی سی جے کا, انڈیا تو آئی سی جے کو آلریڈی ہے. ہاں اس کی وہ, لیکن نیپال سے اٹھایا نا, انڈیا نے تو اٹھایا ہے. موٹیو سب سے بڑی بات ہوتی ہے, موٹیو جو بیسک چیز ہوتی ہے نا کرمنل لا میں جو پروف کرنی ہوتی ہے, وہ موٹیو ریزن کیا وجوہات تھیں یہ ایکٹ ہوا فرسٹ, سیکنڈلی کہ اس نے بندے نے یہ ایکشن کیا, تو جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا آلہ قتل, وہ تو وہ ویپن آف افینس ہے, وہ کہاں پہ تھا. اچھا پھر یہ ہے کہ وٹنس کون ہے, وٹنس بہت ضروری ہے, اگر وٹنس نہیں ہے تو پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, اور سرکمسٹانشل ایویڈنس جب آ جاتی ہے سرکمسٹانس کہ یہ وجوہات تھی, یہ ریزنس تھیں, یہ ٹائم تھا, وہ بندہ چھٹی کا ٹائم 5 بجے تھا, 6 بجے وہ اس جگہ پہ پہنچا, 6:30 بجے اس نے اس کو اس جگہ پہ گیا, لہٰذا سرکمسٹانس بتاتی ہے کہ واقعی اس ٹائم پہ یہ مرڈر ہوا ہوگا. سرکمسٹانسز بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز ان فیور آف دا ایکیوزڈ. جو ڈاؤٹ جب بھی کریٹ, کاؤنسل کا کام ہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ ڈاؤٹس, ڈسپروو کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی, مطلب ڈسپروو تو نہیں کر سکتے نا, اگلا مرا ہوا پڑا ہوا ہے یا زخمی سامنے نظر, اس لیے مرڈر کیس از مور ایزیئر دین اٹیمپٹ ٹو کمٹ مرڈر, کیونکہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ مرڈر میں تو زندہ پڑا ہوتا ہے, وہ تو کہتے ہیں مجھے اس نے مارا ہے, جو فوت ہو جاتا ہے وہ تو ختم ہو گیا نا, اپنے ساتھ لے کے چلا گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, اگر کسی نے نہیں دیکھا وٹنس نہیں ہے تو. ایک ہوتا ہے نا پبلک میں ہو گیا, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لک چھپ کسی کو اس طرح کر کے مار دیا, تو وہ تو سمجھ ہی نہیں آتی, اس کو ایویڈنس نہیں ملتی. اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے, ہمیشہ ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے لائر, ڈیفینس لائر جو ہوتا ہے اس نے ڈاؤٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی اس میں ڈاؤٹ ہے. اب جب ویپن آف افینس نہیں ملا تو ڈاؤٹ ہے کہ جی ویپن آف افینس ریکور ہی نہیں ہوا بندے سے, ویپن آف افینس ریکور ہو جائے تو پھر بہت ساری چیزیں اکیوزڈ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں ایک دم, اگر ریکور ہو جائے, اور وہ ریکور بھی اپنی پوائنٹیشن پہ کرے, خود جا کے کہے کہ ہاں جی یہ پڑا ہوا ہے ویپن آف افینس, پھر اس کو بلسٹکس اور وہ کرنا پڑتا ہے. آج کل فورینزکس آ گئی ہیں, فورینزکس لیبارٹریز آ گئی ہیں, جو پنجاب کی تو بہت اچھی کام کر رہی ہے فورینزک سائنس لیبارٹری, جو ایف ایس ایل کہتے ہیں اس کو, پھر اس میں اگر گن شاٹ ہے یا ڈیگر ہے یا واٹ ایور ہے, بلڈ اسٹینڈ کلوتھز ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, وہ سارے بھیجے جاتے ہیں ادھر پہ, کراس چیک ہو جاتے ہیں, اس کی رپورٹ بہت زیادہ ویراسٹی ہے اس کی, فورینزک لیب کی, فورینزک سائنس لیبارٹریز جو ہوتی ہیں فورینزک لیب کی بہت زیادہ ویراسٹی ہوتی ہے, ایویڈینشری ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, فنگر پرنٹس یہ وہ دائیں بائیں سارا چیزیں, تو اس میں بڑا ٹیکنیکل کام ہے. تو ابھی جا رہے ہیں ہمارے لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, مطلب یہ جو فورسز ہیں ہمارے پولیس ولیس یہ وہ, ان ٹرمز پہ آستہ آستہ کام شروع کر دیا انہوں نے, ایٹ لیسٹ سٹیز میں, سبرز میں تو نہیں ہے ویسے ہی جہاں کام چل رہے ہیں ابھی تک, وہی تپم وکم بھی چل رہے ہیں, اور بڑا مشکل ہے اتنی ایک دم چینج لے کے آنا. انوائرمنٹ کے لیے کیا کام ہو, نہیں پھر وہ یہی کہے کہ یہ انسین تھا, وہ پروف کرے, پروف کر دے کہ ہاں انسین تھا, ہاں نہیں تھا انسین تھا, یا 25-50 گھنٹوں سے سویا نہیں تھا, یا یہ وہ دوسرا تیسرا, یا کوشچنز اس نے ٹھیک نہیں کیے, میجسٹریٹ نے اس کو سمجھایا نہیں تھا, اس طرح کی چیز میں پھر ڈاؤٹ کریٹ کرا جا سکتا ہے.
पता नहीं किस चक्कर में है तू, इस खौफनाक गर्मी में काले कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है? अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा ये गेम भी हो सकती है, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है बिकॉज ब्रांडेड है, लग रहा है ब्रांडेड है, लेकिन ये कि मतलब आगे हाथ जाए ना यार। वो जज है कोर्ट नंबर 12 है। अच्छा नहीं, बहुत ही यंग हो, नहीं मैं नहीं जानता काजी अदनान को, नहीं जानता। अमानुल्ला एक वहाँ पे मेरा स्टूडेंट आया है, अमानुल्ला अभी नया जज आया है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सिविल जजेस, नंबर नहीं पता और वहाँ के पता है नंबर मेरा, वहाँ पे पुराना मेरा मुंशी वहीं पे होता है ना, तो वो कोई ना कोई बताता रहता है, वो पूछते रहते हैं उसको लोग, तो वो बता रहा था कल ही उसका टेक्स्ट आया हुआ था कि अमानुल्ला आया पोस्ट होके, तो इस तरह के हैं मेरे वाले, तो जो हैं स्टूडेंट्स मेरे वो तो सीनियर सिविल जज लेवल पे चले गए हैं, एक तो ADJ भी बन गई है लड़की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन गई है, मतलब सीनियर हो गया ना, मतलब 10-10 साल 12-12 साल गुजर गए हैं। ये नए लड़के आते हैं हर साल, 2 साल बाद नए जजेस आ जाते हैं, उनको ही सिविल जजेस लगाते हैं, और स्पेशली वो हायरार्की जो 12 नंबर, तो 14 नंबर, तो 16 नंबर, वो जूनियर होते हैं, जो सीनियर होते हैं उनको ऊपर नंबर देते हैं, 1, 2, 3, 4। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो ऐसे है कि इंग्लैंड में 4 बार्स हैं, 4 बार, लिंकन इन, ग्रेज इन, इन टेम्पल, ठीक है, 4 बार्स हैं, उनमें आपने रजिस्टर होना होता जाके, जिस तरह ये कोई जिस तरह दफ्तर है बाहर, उसमें आप जाके रजिस्टर हो जाएं, वो आपको कोर्स लिस्ट दे देते हैं कि ये जी 16 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने 16, ये 50 सब्जेक्ट्स हैं, आपने कोई भी 16 करने हैं, आप वो 16 एक सेमेस्टर में करें या 10 सेमेस्टरों में करें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं, इधर फ़ीस जमा करा दें, आपने फ़ीस जमा करा दी, आप लिंकन जिन में जाके आपने फ़ीस जमा करा दी, वहाँ पर रजिस्टर हो गया, आपका नाम पता एड्रेस हो गया, वो आपको फिर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देते हैं पूरे UK में, ये पूरे UK के हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इस किसी भी कॉलेज में जाके आप ये कोर्स कर लें, आप उस कॉलेज में जाते हैं कोर्स करते हैं, आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, मैक्सिमम 2 साल में लोग कर लेते हैं, मतलब 4-4 करके ना, 3-3, 4-4 करके 6-6 महीने के सेमेस्टर में निकालते जाते हैं। LLB, ये LLB है, LLB ऑनर्स हो जाती है, काइंड ऑफ ऑनर्स हो जाती है, तो वो LLB के साथ ये फिर जो बार के साथ आप रजिस्टर हुए होते हैं ना, उस बार को आपका अपना रिजल्ट आ जाता है, उस बार में जो बार में रिजल्ट आता है, तो फिर उस बार में आपकी कुछ डिनर्स होते हैं, जिसमें से एक डिनर क्वीन के साथ भी होता है, फिर उसको इंग्लैंड की, फिर आपको तमीज़ सिखाई जाती है कि जब कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ी चीज़ें होती है, तो कैसे ड्रेसअप करना है, कांटा किस तरफ रखना है, ग्लास किस तरफ होना चाहिए, आपके नैपकिन कैसे पड़ा होना चाहिए, वो तमीज़ उस दायरे में आपको डालते हैं, सांचे में डालते हैं आस्ता आस्ता, ठीक है, फिर वो इसी तरह साथ लेक्चर्स होते हैं उसके, और एंड ऑफ द डे जब अपना कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं और ये सारे डिनर्स आप कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको बैरिस्ट्री की कह देते हैं, ये नाउ यू आर अ बैरिस्टर, किया उसने LLB ही होता है, लेकिन वो इनके साथ लगा होता है, एक इन फीस दे रहा होता है ना, उसकी बड़ी फीस है ना रजिस्ट्रेशन की, लोग सिंपल भी LLB करते हैं, उसके बाद LLM कर लेते हैं, LLD कर लेते हैं, डॉक्टरेट भी होती है इसमें, अब हमने LLM किया हुआ है ना, यहाँ पे LLB है, LLM है, बार सिर्फ बैरिस्टर सिर्फ UK में ही होता है, और आयरलैंड में, दो आयरलैंड में, UK में दो आयरलैंड में, आयरलैंड से कम लोग करते हैं, पाकिस्तान ही नहीं जाते, हाँ नहीं 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 आयरलैंड नहीं नहीं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलहदा वो दूसरी, तू नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ अलहदा एक आयरलैंड भी है, रिपब्लिक है, एक अलहदा सीन है उनका, आप जी माशाल्लाह आज तो बसंती बसंती बने हुए आज तो ओ हो गई है, हो गई, चलो मुबारक हो, ख़त्म हो गई, अच्छी हो गई है, गुड, वेरी नाइस, अच्छी बात है, गुड, 100 में से
92 मार्क्स प्रेजेंटेशन है, बड़ी बात है, बड़ी प्रेजेंटेशन की आपने। किस चीज़ की प्रेजेंटेशन? इंटरप्राइज जी पूछे, वो पूछ रही है क्यों? ठीक है, वो मैटर करते हैं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर मीडियम है, गुड एनाफ, माशाल्लाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, तीन का ग्रुप था, ये थी बाजी थी साथ, अच्छा सलीम, अच्छा सबीन, अच्छा 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 सबीन, सबीन हमारे पास तो नहीं है सबीन, वो किसी और कंपनी की है, आरएम की है। तो ऐसे अटेंडेंस सीट दो जी, ये भी नंबर लावे, ये सैफुल्ले के पास छुपाई होगी। फिर तूने रखी होगी, लेकिन ये नक्शे पे टेस्ट है, क्विज होने वाला है। स्टार्ट और एंड, लेंथ भी, लेंथ भी बताइए। मेट्रो, अब यार कुछ तो होगा ना, अब क्या करें उसको। हाँ वो उठाएंगे ना, यहाँ से इधर से जाएगी, फिर उधर जाएगी, नहीं वो एक हद मेरे ख्याल से बाईपास अंडरपास बनेगा। हाँ लेफ्ट, ये इससे ये बताएगा साइड से के बीच, साइड से के बीच में, और नहीं यार वो ये क्या पूछ रहा है कि भी अंडरग्राउंड जाएगी, सेंटर ऑफ द रोड कह रहे हैं, अंडरग्राउंड कैसे जाएगी? लेन्स बना रहे हैं ना, लेंस नहीं बनानी, आका उसके लिए दोबारा फिलिंग होगी उसमें ना, वो प्रॉपर रोड लेन बनेगी, क्योंकि आपकी पूरी एक लेन उसने उठा ली है, बीच में जब पाइलिंग होगी ना यार, फिर बनी हुई तो क्यों नहीं होता ना, फिर ये किधर चलेगी मोटर, मेट्रो किधर चलेगी, मेट्रो किधर चलेगी फिर बताएं ना, कैसे चलेगी मेट्रो? देखें वो ऐसे ही है कि ये है ना, देखें अब ये लेन्स जा रही हैं, ठीक है, एक दो तीन चार लेन सपोज, ठीक है, क्या हुआ? स्टैम्प, तुम किधर काम करते हो? अच्छा वापडा में हो, आइसको में, अच्छा वेरी नाइस, 1 2 3 4, ठीक है ये लेन है। अब वो ये उठाना चाह रहे हैं, दो ये हो गई, दो इधर हो गई, अब वो बीच में आना चाह रहे हैं, यहाँ पे पाइलिंग शुरू होगी, ये मतलब वर्टिकल है ना, अब मैं तो हॉरिजॉन्टल ही करूँगा ना, वर्टिकल तो नहीं कर सकता, तो वर्टिकल जब पाइलिंग, वो पिलर्स बनने शुरू होंगे, पिलर्स के ऊपर फिर वो स्लैब रखे जाएंगे, तो ये काफ़ी सारी जगह ना ये कवर हो जाएगी, जैसे मरी रोड पे हुआ हुआ है। तो अब ये ऑलरेडी आपकी 10 लेन की 12 लेन है, ये कश्मीर हाईवे 10 लेन, अब 10 लेन में से समझे कि आपकी वो डेढ़ दो लेन्स खा रहा है, खा जाएगा ये, तो इसलिए फिर वो साइड पे नई लेन्स बना रहे हैं। टोपोग्राफी ऐसी है उसकी कि वहाँ पे खड्डे हैं, मट्टी है, अजीब सी जगह है, पहाड़ हैं, उसको प्रॉपर करने के लिए ताकि वो बैठे ना कल, तो इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो ये मोटरवे पे वो लोग कर रहे हैं, फौजी साहब।
ये वाली जो है ये NHA का आ रही है, पिशावर मोड़ से मोटरवे तक। हाँ ना, दरमियान सेंटर। हाँ नहीं, इस अगस्त में तो नहीं हो सकती यार। नहीं नहीं नहीं, वो पोर्शन होगा उसका, इसको एयरपोर्ट तक पहुँचाना है। बता रहा कंप्लीशन डेट। इनॉग्रेशन करनी है उसने, ऐसी है ठीक कह रहा है। ये वाली 2-3 महीने वाली, हाँ हाँ, आने वाला जो हाज है जिसकी लोग एप्लीकेशन दे रहे कह तो रहे हैं अगस्त। नहीं पॉसिबल नहीं है, नहीं है वो, कहने में क्या हर्ज है। ये अब मेट्रो कितना डिले हुआ, ये वाला पिंडी वाला जी, वो यूटिलिटीज़ तो जी बिल्कुल ट्रांसफार्मर लगते हैं, साथ जनरेटर्स लगेंगे, फिर ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे, स्टेशंस बनने हैं। दो स्टेशन तो सिर्फ आपके हैं ना, दो इधर भी दो बनने ना, इधर पेशावर मोड़ पे बनेगा, आगे बनेगा एक गोलड़ा मोड़ पे बनेगा। हाँ जी, तो वो उसमें हमारा बड़ा अच्छा लड़का है जो यहाँ का PDA है, लाहौर से उसको इम्पोर्ट किया है। नहीं मेट्रो का थोड़ा मज़े का, कोई ये पंजाब की होती है कास्ट उसका है वो, अब फील्ड मुझे नहीं याद आ रहा उसका क्या है। ब्रिज है, आप कौन से उसमें विंग में काम करते हैं एस्को के? अच्छा गुड, फिर तो अच्छी बात है, लंबा ही पैसा है। हाँ तुम अचार है यार, इससे पहले तुम तो वो हो ना, एक तो अपने इलाके का होना, ये तो वो है ना कि थूक भी अपना दो ना साथ, वो वाली पार्टी है ना। चलो काम उसके, टेंशन मुझे हुई हुई है, मैं वही ना परेशान फेर रहा हूँ, नंबर ढूंढ रहा हूँ इसकी, नासिर शफीक को फ़ोन कर रहा हूँ, किधर है उमैर, केड़ा उमैर जी, मोहम्मद उमैर, मैं कहूँ मोहम्मद उमैर। नेकी का तो है लेकिन ये कि बड़ी औखा है। नहीं मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आई डिडंट वांटेड टू, मैंने कहा खुद ही कर दूंगा टेस्ट और खुद ही आगे उसको चलाऊँ, करवा लूँगा मैं किसी। हाँ नहीं ठीक है, मुझे तो कल ही चाहिए थे बेसिकली, आई नीडेड देम यस्टरडे। ओ कोई नहीं, वो मैं टेस्ट भी कर लेता, खुद ही कर लेता, लेकिन तुमने कहा था मैं बारा कहूँ मैं हूँ अभी। नहीं नहीं मुझे दे, हाँ थोड़ा सा है। हाँ नमाज का ब्रेक ले लें जी, अब मैं एक साथ ही लेके जाऊँगा मैं, जो जिस टाइम का पता लग गया। चलो जी नमाज, लोगों का हो रहा है प्रेजेंटेशन, इसीलिए हमने उसके ज़्यादा